एरो इंडिया शो के दौरान हमारी बीएमपी 2 व्हीकल के साथ एक ऐसा पैनोरामिक साइट को फिट करते हुए दिखाया गया है जिसे पूरे 360 डिग्री का सिचुएशनल अवेयरनेस मिलने वाली है और इसको आगे चल के हमारे टैंक्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेजस एम के वन डील साइन होने के साथ साथ अभी एचएएल की तरफ से STD-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ऑर्डर मिलने का इंतजार किया जा रहा है। भारत की एमपीबीएस ऑपरेशन और उड़ान स्कीम को प्रमोट करने के लिए भी एचएएल की तरफ से डोनर 228 एयरक्राफ्ट की एक सी बेस्ड वेरिएंट को डेवलप करने का ऑफर दिया गया है जिसको बोथ सिविलियन और मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से अभी भारत में ही थेल्स की RB-2 ASR रडार की TR मॉडल्स को बनाना शुरू किया जा चुका है और भारत के खिलाफ साजिश करते हुए टर्की और चाइना की तरफ से सीधे तौर पर पाकिस्तान को बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट से इक्विप करने का प्लान किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहाँ पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पर जाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज की हमारी मैक्सिमम अपडेट्स एरो इंडिया शो के साथ रिलेटेड रहने वाले हैं। तो आज एरो इंडिया शो के अवसर पर ही हमारी बीएमपी 2 व्हीकल के साथ एक नई तरह की पैनोरामिक साइट को देखा गया था जिसको अभी स्टार या सी थ्रो आर्मर सिस्टम या STS सिस्टम का नाम दिया गया है। ये सिस्टम बीएमपी 2 व्हीकल की टरेट के ठीक पीछे की तरफ सेटअप किया गया जो कि इसके अंदर मौजूद के मेंबर्स को पूरे 360 डिग्री का सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने में मदद करने वाले हैं। अब होता क्या है कि जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं उनमें बेहतर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा ग्लास एरिया नहीं दिया जाता है और इसको बहुत ही लिमिटेड रखने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से विंग स्पेस जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड होती है और इसको मेनली फ्रंट सेक्शन में दिया जाता है जो कि उसे थोड़ा बहुत अगल बगल देखने में मदद करती है। लेकिन इससे व्हीकल के अंदर मौजूद क्रू मेंबर को बाहर के हालचाल के बारे में सही तरीके से पता नहीं चलता है, जिस वजह से टैंक से आर्मर्ड व्हीकल का जो कमांडर होता है उसको हमेशा आर्मर्ड प्रोटेक्शन के बाहर रहकर ही चारों तरफ नजर रखना होता है। लेकिन अभी हम इस नए सिस्टम की मदद से पूरी तरीके से आर्मर प्रोटेक्शन के अंदर रहकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये फ्लेक्सिबल सिस्टम होने की वजह से इसको टैंक्स में भी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये सिस्टम नॉर्मली दिन और रात में ऑपरेट किया जा सकता है और ये खराब से खराब वेदर कंडीशन में जैसे कि बारिश में या फिर डस्ट स्टॉर्म के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनको कि आगे चल के अगर हमारे मेन बैटल टैंक्स में इंटीग्रेट किया जाता है तो उनमें भी हमको बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट तेजस एम के वन डील को लेके है। आज फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तेजस एम के वन डील को साइन कर दिया गया है। इस डील के अंदर 83 तेजस को खरीदा जाएगा जिसमें से 73 तेजस की फाइटर वेरिएंट होने वाली और 10 तेजस की ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं और ये जो 73 फाइटर वेरिएंट रहेंगी यही असल में तेजस की MK-1A वेरिएंट होने वाले हैं और बाकी जो 10 तेजस रहेंगे वो तेजस की MK-1 स्टैंडर्ड की होने वाले हैं। इनकी डिलीवरी अभी हमें आने वाले 3 सालों के अंदर शुरू होने वाली है, लेकिन इनकी डिलीवरी पूरा होने के लिए लगभग 2030 के आसपास का वक्त लगने वाला है। इसके साथ ही अभी इंडियन एयरफोर्स में फॉर्मली 123 तेजस को शामिल करने का ऑर्डर दिया जा चुका है। तेजस की MK-1A वेरिएंट में अभी एक डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ASR रडार और बेहतर VVR मिसाइल होने वाली है। तेजस की MK-1A वेरिएंट में अभी पहले के मुकाबले ज्यादा इंडिजिनस कॉन्टेंट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तेजस में लगभग 60% के आसपास इंडिजिनस कॉन्टेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अभी जल्दी से ही HAL को STD-40 एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑर्डर मिल सकती है और रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जल्दी से ही HAL को STD-40 एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को भेजा जाने वाला है। पिछले साल ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से ऐसे 106 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया गया था और ट्रायल के दौरान भी STD-40 ने इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायर्ड जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट के मुकाबले और भी बेहतर परफॉर्म किया था और अभी इसे इंडियन एयरफोर्स के नए पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्लियर कर दिया गया है। इस डील की कीमत लगभग 8,722 करोड़ के आसपास होने वाली है और अभी HAL इसमें लाइट रॉकेट और बॉम्ब्स को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि पायलट्स को ट्रेन करने के साथ साथ इसको लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। वैसे इसको कभी भी रियल में अटैक करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन पायलट्स को ट्रेनिंग करने के लिए काफी मदद आने वाली है। अगला अपडेट MPBS एयरक्राफ्ट को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स को अभी MPBS एयरक्राफ्ट की कितनी जरूरत है और हमारे पास इंडिजिनस सॉल्यूशन ना होने की वजह से हम अभी जापान से US-2I MPBS एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एयरक्राफ्ट काफी महंगे होने की वजह से इनकी प्राइस को लेकर अभी भी पिछले कई सालों से नेगोशिएशन किया जा रहा है। इसी बीच एरो इंडिया शो के दौरान HAL की तरफ से एक इंडिजिनस सी प्लेन को डेवलप करने का ऑफर दिया गया है और ये एयरक्राफ्ट हमारी
दोनों 228 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड करके होने वाली है। इसके कुछ बेसिक मॉडल को भी एयरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया गया था और इस एयरक्राफ्ट को आगे चल के बहुत सिविलियन और मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दोनों एयरक्राफ्ट काफी प्रूवन प्लेटफॉर्म है जिसको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अभी इसकी सी बेस्ड वेरिएंट को एचएएल की तरफ से डेवलप किया जाता है तो ये स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के लिए काफी पॉपुलर होने वाली है। और आगे चल के हमारे उड़ान स्कीम के अंदर भी ये सिविलियन यूज में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशली नेवल ऑपरेशन में डोरनोर की सी बेस्ड वेरिएंट काफी मदद करने वाले हैं और हमारे जो भी आइलैंड्स हैं वहां पर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए एक आसान जरिया बन सकता है और इसको इजीली सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में या फिर रिकॉनेंस मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब नॉर्मल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन सी प्लेन्स की बात करें तो इनको सी में कहीं पर भी उतारा जा सकता है, जो कि आइलैंड ऑपरेशन में सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होने वाली है। अगला अपडेट युद्धाभ्यास एक्सरसाइज को लेकर, भारत और यूएस के बीच होने वाली युद्धाभ्यास जॉइंट एक्सरसाइज को अभी 8 फरवरी से 21 फरवरी तक किया जाने वाला है। एक्सरसाइज का 16th एडिशन होने वाली और इस बार इसको इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब करने का एम रखा गया है। एक्सरसाइज अभी राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा, जहां पर कुछ दिन पहले ही भारत और फ्रांस के बीच 5 दिन लंबी एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। हमारे डिफेंस स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि यूएस आर्मी की टीम 5 फरवरी तक ही भारत में लैंड करने वाले हैं और इसमें यूएस आर्मी की 2nd बटालियन और स्ट्राइकर ब्रिगेड की 3rd इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट करने वाले, जबकि इंडियन आर्मी की तरफ से इसमें जम्मू एंड कश्मीर राइफल की 11th बटालियन पार्टिसिपेट करने वाली है। ये बाइडेन गवर्नमेंट आने के बाद भारत और यूएस आर्मी के बीच होने वाली पहली सबसे बड़ी डिफेंस एक्सरसाइज होने वाली, जिसको मेनली एंटी टेरर ऑपरेशन को ध्यान में रखकर किया जाने वाला है। अगला अपडेट रफाल में इस्तेमाल होने वाली RBE2 ASR रडार को लेके है। थेल्स की तरफ से अभी बताया गया कि रफाल डील में जो ऑफसेट क्लॉज साइन किया गया था उसके अंदर वो इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके भारत में ही फ्रेंच डिफेंस इक्विपमेंट को बनाना शुरू कर चुके हैं और अभी थेल ग्रुप की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी RBE2 ASR रडार की TR मॉडल्स को बनाना शुरू किया गया है, जिनको अभी भारत में ही VL की तरफ से बनाया जा रहा है। अभी बताया गया कि VL की तरफ से भी थेल्स को RBE2 ASR रडार की TR मॉडल्स को मैन्युफैक्चर करके डिलीवर किया गया है और ये सभी रफेल डील के ऑफसेट क्लॉज के अंदर किया गया था, जिसमें थेल्स की तरफ से VL के साथ अपनी रडार की टेक्नोलॉजी शेयर किया गया था। अब थेल्स की RBE2 ASR रडार को अब तक का सबसे बेहतरीन रडार में से गिना जाता है और अभी तक इसको कई बार रियल वर्ल्ड कंडीशन में टेस्ट किया जा चुका है। इन रडार्स की TR मॉडल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले 2017 में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया था और VL की तरफ से सबसे पहले इनकी प्रोटोटाइप को बनाकर थेल को दिखाया गया था ताकि VL इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मैन्युफैक्चर कर पाता या फिर नहीं कर पाता इसको सर्टिफाई किया जा सके, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनने के बाद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि रफाल को इस्तेमाल करने वाले सभी देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और अंत में VL के द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप की टेस्टिंग को क्वालिफाई करने के बाद इन रडार्स के TR मॉडल्स को बनाने के लिए एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को सेट किया गया था और थेल्स की तरफ से VL की इंजीनियर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया गया था। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और अभी इसके साथ दो और देश भी जुड़ गए हैं जो कि भारत के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक तो चाइना और दूसरा टर्की है। रिसेंटली भारत और चाइना के बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी भी तनाव कम नहीं हो रहा है। इसी दौरान चाइना की तरफ से पाकिस्तान को बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट और एमुनिशन सप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर वो दो तरफ से भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे डिफेंड करने में भारत को काफी परेशानी होने वाली है। इसी वजह से वो अभी पाकिस्तान को हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट, नए वॉरशिप्स और आर्म ड्रोन्स को सप्लाई कर रहा है। हाल ही में चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 5 आर्म ड्रोन को सप्लाई किया गया था और अभी चाइना की हांगडोंग जंगवा सेपर्ड में टाइप 54 ए क्लास के फ्रिगेट को भी लॉन्च किया जा चुका है, जो कि वो पाकिस्तान को जल्द ही डिलीवर करने वाले हैं। ये वेसल पाकिस्तान की नेवी के अब तक के सबसे बेहतरीन वेसल बनने जा रहे हैं और ऐसे टोटल 4 वेसल के लिए चाइना और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इसी बीच टर्की की तरफ से भी पाकिस्तान को बेहतर वेपन से इक्विप करने की कोशिश किया जा रहा है। 2018 में टर्की और पाकिस्तान के बीच 4 मिलजम क्लास की कॉर्बेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था और इन 4 कॉर्बेट में से 2 इस्तांबुल सिपर में बनाए जा रहे हैं जबकि 2 कराची में बनाए जाने वाले हैं और कुल मिलाकर यह भी पाकिस्तान की नेवी के सबसे बेहतरीन वेसल बनने जा रहे हैं। इसी के साथ ही चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान की नेवी को इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी के साथ फाइट करने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी से इक्विप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें वो अभी पाकिस्तान को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और इंडियन ओशन रीजन के ऊपर लाइव सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से इक्विप करने वाले हैं, जो कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी की मूवमेंट के ऊपर नजर रखने में पाकिस्तान को काफी मदद करने वाली है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अब सबको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड एक साथ मिलकर अभी टॉरपेक एक्सरसाइज को करने वाले, जिसको मेनली किसी भी तरह की मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंज को मीट करने के लिए किया जा रहा था और हमारी प्रिपेयरनेस को चेक करने के लिए सब अरेंज किया गया था। इस एक्सरसाइज का पूरा नाम थिएटर लेवल रेडीनेस और ऑपरेशनल एक्सरसाइज था और इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन नेवी की तरफ से अपनी लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में एक टारगेट को सेटअप किया गया था, जहां पर इंडियन नेवी की IL-30 एयरक्राफ्ट से KS-35E मिसाइल को फायर किया गया था। KS-35E एक रशियन ओरिजिन एंटीसेप मिसाइल है, जिसको इंडियन नेवी की तरफ से अपनी स्टैंडर्ड एंटीसेप मिसाइल के तौर पर वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। इस बार की गई डेमो एक्सरसाइज के दौरान भी मिसाइल ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। अब IL-30 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट नेवी के पुराने मैरिटाइम सर्विलेंस और एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म है, जिनको जल्दी से ही मॉडर्न सर्विलेंस एयरक्राफ्ट जैसे कि PAETA एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगला और आखिरी अपडेट एयरो इंडिया शो के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज ऑफिशियली एयरो इंडिया शो को शुरू किया गया है और मेरे हिसाब से अब तक का भारत का सबसे बेहतरीन डिफेंस एग्जीबिशन होने वाली, क्योंकि इस बार फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ इंडियन कंपनीज के तरफ से भी वर्ल्ड क्लास के और नेक्स्ट जनरेशन के डिफेंस इक्विपमेंट को डिस्प्ले किया गया था, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस अवसर पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने स्पीच देते हुए कहा था कि भारत अभी कई लेवल में सिक्योरिटी इशू का सामना कर रहा है और आने वाले 7 से 8 सालों के अंदर ही भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए लगभग $130 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमारे डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया जाएगा। और वैसे भी अभी देखने को भी मिल रही है कि भारत के डोमेस्टिक कंपनी भी बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुके हैं। इस बार की एयरो इंडिया शो के दौरान लगभग 540 कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 80 के आसपास फॉरेन कंपनी है और इसमें टोटल 55 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे इस बार की एयरो इंडिया शो में जितने बेहतर प्रोडक्ट को डिस्प्ले किए गए थे, उस हिसाब से पैंडेमिक इसको काफी फीका कर रहा है, क्योंकि इस वजह से विजिटर्स की जो संख्या होती है उसको लिमिटेड रखने की कोशिश किया जा रहा है और मैक्सिमम डिस्प्ले ऑनलाइन रखने की कोशिश भी किया जा रहा है, जिसको आप चाहो तो घर बैठे ही एयरो इंडिया की ऑफिशियल साइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।